हेलो दोस्तों, स्टडी गाइड एजुकेशन हम में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी और हम आरआरबी एनटीपीसी साइको की तैयारी कर रहे हैं असम के लिए। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है 10वां, ठीक है। इससे पहले हम 9 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं एंड इससे पहले विद्यासागर बुक भी हम सोल्व कर चुके हैं। मुझे लग रहा है शायद 12-13 सेट हमने शायद विद्यासागर बुक के भी सोल्व किए हैं। तो नए बच्चे सबसे पहले जाके उसको देखिए, ठीक। देन उसके बाद इस पर आइए, वहाँ से आप सीखेंगे कि कैसे हमें करना है एंड यहाँ पर सिंपली आपको प्रैक्टिस करना है। कुछ डाउट होता है तो हम उसको देखते हैं, ठीक। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहले प्रीवियस पेपर, जो कल का जो पेपर था, उसको डिस्कस करेंगे। देन इसको आपको अटेम्प्ट करना है। कुछ प्रॉब्लम होगी तो फिर आप हमें बताएंगे। जल्दी से करते हैं डिस्कस। क्वेश्चन नंबर था 26। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 बच्चे बोलते जो गए हैं वैसे तो यार उन्हें सब पता चल जाता है कौन सा क्वेश्चन गलत है कौन सा गड़बड़ है। 26 है ई टू ओ। देखो, ई से जाना है हमें ओ पे। अब ई से ओ पे जाने के लिए इनके अकॉर्डिंग क्या है कि हम यहाँ से सिंपली जाएंगे एंड जो इन्होंने आंसर दिया उसके अकॉर्डिंग तो सिंपली यहाँ से नीचे जाके एंड 10 पे हम पहुँच जाएंगे। पाथ काउंट करते हैं। देखो, पाथ जो बच्चे जो बोल रहे हैं कि भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तो पाथ पहले काउंट करते हैं हम। सबसे पहले देखो 1, 2, 3, 4 और यहाँ से 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यानी 10 पाथ हम ले रहे हैं वहाँ से 10 पे जाने के लिए E2O, ठीक। यहाँ से भी हम ऐसे जा सकते थे सीधा सिंपली, और यहाँ से भी ऐसा जा सकते हैं हम। तो उसमें आंसर हमारा, उसमें कौन सा घर आ रहा है, 4 आ रहा है, इसमें हमारा 10 आ रहा है। इसमें भी पाथ कितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, ठीक है। तो बराबर हो गया। तो फिर हम टर्न देखेंगे। टर्न अगर देखते हैं तो इसके अंदर टर्न कितनी आ रही है, 1, 2 एंड 3 एंड यहाँ पे 4 टर्न के अंदर पहुँच रहे हैं। इसके अंदर भी इतना ही है, 1, 2, 3, 4 टर्न के अंदर पहुँच रहे हैं। फिर हमारे पास अब पाथ और टर्न बराबर हो गए, तो सिंपल हम डायगनल खींच के देखेंगे। अगर डायगनल अगर इसके अंदर हम खींच के देखते हैं तो डायगनल के सबसे पास हमारे पास 4 है। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 4, ठीक है। सिंपली बिल्कुल डायगनल को टच ही करके निकले गए, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका गड़बड़ दिया हुआ है। देन आगे चलते हैं हम 32 को देखें। R2K जाने के लिए तो सिंपल हम ऐसे जा सकते हैं, 10 को लेंगे एंड सिंपल हम चले जाएंगे। लेकिन इसके अंदर आंसर गड़बड़ दे रखा है दोबारा। यहाँ से पाथ तो बराबर आ जाएगा, लेकिन 6 पे जाने के लिए हमारे पास हमको टर्न बहुत लेने पड़ेंगे, तो आंसर इसका गड़बड़ है। 32 का आंसर 10 है। ऐसे ही 39 का आंसर भी क्या है, 39 का आंसर भी 10 ही है। 39 में क्या है, J से P पे जाना है, तो सिंपल हम यहाँ से सीधा जा सकते हैं P पे जाने के लिए। 10 को ही लेना चाहिए, लेकिन शायद 10 का आंसर भी गड़बड़ दिया हुआ है, ठीक। 40 है हमारे पास I2L। सिंपल ये तो हम यहाँ से सीधा जा सकते थे, 7 को टच करते हुए निकल जाएंगे, ठीक है। ये तो आंसर 7 ही होगा इसका, तो ये सही है, ठीक है। I12 जाने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ से हम सीधा जाएंगे एंड 2 का कॉर्नर लिया है, तो 2 तो हमारा घर काउंट होगा नहीं एंड सिंपली चले जाएंगे इस पर, ठीक है। तो जो 2-3 क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं एंड अब हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर स्टार्ट होगा 10वां। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 ही आ गया, ठीक है। तो इसकी टाइमिंग मैं पहले थोड़ी सेट कर देता हूँ। हर स्लाइड के ऊपर आपको मिलेंगे 10 क्वेश्चन और आपको 2 मिनट में अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन अपनी उठा लीजिए एंड
हाँ जी दोस्तों, तो वीडियो कह रहा हूँ, टेस्ट हमारा समाप्त हो चुका है एंड इसके आंसर्स आप मैच कर सकते हैं। यहाँ से मैच करके कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें कि आपका स्कोर कितना रहा, ठीक है। एंड ये विद्यासागर का सेट डाला है मैंने बीच में, क्योंकि इस वाले सेट के अंदर काफ़ी गलतियाँ आ रही थी, तो विद्यासागर का एक सेट डाला है मैंने बीच के अंदर। इसमें देखना कि आपका स्कोर कितना रहता है। मुझे लगता है काफ़ी बच्चों के 40 में से 40 रहेंगे इसके अंदर, क्योंकि ज़्यादा टफ नहीं था ये सेट, ठीक है। एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिले, क्योंकि और भी डिफरेंट टॉपिक्स पे नई नई वीडियो आने वाली है। एंड मोस्ट प्रोबली आज या कल के अंदर एक मैराथन वीडियो डालूंगा मैं क्लासिफिकेशन पे, 1-2 घंटे की रहेगी वो, तो उसको जरूर देखें, ठीक है। ओके, बाय बाय, ख्याल रखें अपना, एग्जाम पास में ही है। ओके, टेक केयर।